अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखो, आज के इस टॉपिक में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है ना सेकंड हैंड टैक्सनों को किस तरीके से साइनअप कर सकते हो। जब आप लोग जो है ना उसको साइनअप कर लोगे, उसके बाद आप लोगों ने जो है ना किस तरीके से उससे कौन सा वैलिड नंबर उठाना है जिसके ऊपर आप लोगों को फेक व्हाट्सएप के लिए वेरिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि आप लोग जो है ना किस तरीके से टैक्सनों या सेकंड हैंड एप्लीकेशन को साइनअप करोगे, उसके बाद आप लोगों ने कौन सा नंबर लेना है, देन जिसके ऊपर जो है ना आप लोगों को इजिली ओटीपी देखने को मिल जाएगा। हम जो है मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं। मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब देखो, आप लोगों ने सबसे पहले सेकंड हैंड एप्लीकेशन को ओपन करना है। इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं कौन सा वीपिन यूज कर रहा हूं, और मैं आप लोगों को वीपिन भी दिखाऊंगा, और आप लोगों को मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैं कौन सी साइट कनेक्ट की हुई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं वीपिन सिटी का यूज कर रहा हूं। आप सबके सामने मैंने इसको जो है ना यहां से कनेक्ट करना है। आप लोग नीचे यहां पर देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट और नीचे छोटा सा लिखा होगा न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी साइट को और इसी वीपिन का यूज करना है। और ये कौन सा वर्जन है और कौन सा वीपिन आप लोगों को कहां से मिलेगा, मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, इसी साइड को आप लोगों ने इजीली कनेक्ट करना है। ये वीपीएन सिटी है, तो उसके बाद आप लोगों ने कनेक्ट करना है। टैब टू कनेक्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों का जो वीपीएन है ना वो थोड़ी सी देर में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, जैसे ही ये कनेक्ट होता है आप लोगों को मैं आगे का मेथड समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद आप लोगों ने जो है ना अपने सेकंड हैंड एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, आप लोगों को मैं सब कुछ डिटेल के साथ बताऊँगा, आप लोगों ने कौन कौन सी परमिशन अलाउ करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी, सब कुछ बताऊँगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अभी आप लोगों के सामने यहाँ से मैं सेकंड हैंड एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, और इसको मैं ओपन करने के बाद आप लोगों को मैं बताऊँगा कि अब आप लोगों ने क्या करना है। अब देखो यार, आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साइनअप का। ठीक है, हाँ, तो इसलिए आप लोगों ने साइनअप के ऊपर क्लिक करना है। अभी देखो, यहाँ पे आपसे जो है ना चार चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट में आप लोगों ने मेल देना है, देन पासवर्ड देना है, यहाँ पर भी चेक लगाना है, देन यहाँ पर भी चेक लगाना है, उसके बाद लास्ट होगा जो आप लोगों ने साइनअप के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अभी यहाँ पे मैंने टेम्प मेल से एक ईमेल उठाई है, वो यहाँ पे डालनी है, देन पासवर्ड में भी मैं वही डाल दूंगा, उसके बाद एट द रेट के आगे जो भी होगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा, देन एट द रेट तक रहने दूंगा, चेक लगाऊंगा। चेक लगाने के बाद मैंने जो है ना साइनअप के ऊपर क्लिक कर देना है। जस्ट आप लोगों ने भी सेम टू सेम इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आप सबके सामने यहाँ पे लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोगों ने भी सेम टू सेम इसी तरीके से इसी मेथड को फॉलो करना है। वीपिन आप लोगों ने जो है ना इस्तेमाल करना है, वीपिन सिटी, और सेकंड लाइन का मैं आप लोगों को वर्जन भी दिखा दूंगा। और काफ़ी लोगों को वर्जन ढूंढने में मुश्किल होती है, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को सेकंड लाइन का, टैक्सनो का, बल्गेरिया वीपिन का तीनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग वहीं से जाकर ये तमाम तरह चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप लोगों को मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा मैं कौन सा जो है ना सेकंड लाइन का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग जो है ना खुद जाके सर्च कर लें तब भी ठीक है, अगर आप लोग जो है ना खुद सर्च नहीं करते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को जो है ना लिंक दे दूंगा। जस्ट आप लोगों ने लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आप लोग जो है ना डायरेक्ट डाउनलोड जाके कर लोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एरिया कोड मैं कनाडा का यूज़ करूँगा, 778 वाला। देन आप लोग भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना एरिया कोड यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को एरिया कोड का नहीं पता तो गूगल क्रोम पे जाएं, वहाँ पे आप लोग जाके सर्च करें कनाडा एरिया कोड, तो आप लोगों को वहाँ से बहुत सारे एरिया कोड मिल जाएंगे। कोई भी एरिया कोड यूज़ कर सकते हो कनाडा का, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। राइट, अभी यहाँ पे बहुत सारे नंबर आ चुके हैं। अभी देखो, आप लोगों ने इनमें से वो नंबर उठाना है जो कि वैलिड हो। अब देखो, आप लोगों ने जो ओटीपी है ना वो फर्स्ट टाइम पे ही आएगा, इसके बाद जो है ना ओटीपी नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग पहले नंबर को जो है ना एक बार चेक कर लें, जो नंबर ओके हो तो उसको अभी स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से नंबर सेलेक्ट करना, इसकी तमाम तरह परमिशन अलाउ करना लोकेशन को छोड़ के, तो उसके बाद आप लोगों को जस्ट वहाँ पे कोड मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।